दोस्तों, मैं हूं डीसी गेमर यानी कि दिपेश चौहान। और गाइस, आप देख सकते हो मैं लीग टू में पहुंच गया हूं। और आज यार गाइस, आप लोग मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और हाँ गाइस, मेरी दूसरी चैनल है लाफ्टर बडी, जिसमें मैंने एक शॉर्ट फिल्म बनाई है जो बहुत 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 ही ज़्यादा बढ़िया वाली है। उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में होगी यार, आप लोगों को मज़ा आ जाएगा। वैसी मैंने बनाई है। तो यार, ये डैक है और ये डैक बहुत फाड़ू है। मैं इस डैक से लीग टू में आया हूँ। तो यार, आप लोग रीप्ले देख लो आज, क्योंकि ये सामने वाला बंदा है, उसका डैक बहुत बहुत अजीबो गरीब प्रकार का है। मैंने अजीबो गरीब इसलिए बोला क्योंकि वो सब 1 या 2 रुपए की आइटम लाया था, 3 रुपए की शायद कोई भी आइटम नहीं थी उसके डैक में, आप देख सकते हो। और मैं बहुत ही फाड़ू डैक लेके गया था, पर हाँ यार, 3 क्राउन विक्ट्री तो वो ही ले गया। अफसोस होता है, दिल भी रोता है, पर मैं ही जीत गया था यार। तो मैंने जायंट डाल दिया। ये डैक वैसे बहुत ही बढ़िया काम कर जाता है जब उसके पास एग्जिट टोर्नेडो ना हो। एग्जिट टोर्नेडो हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम दूसरे साइड से अटैक कर सकते हैं। जायंट मेगा या तो जायंट लंबरजैक, ऐसा कुछ भी कर सकते हैं। बेबी ड्रैगन यहाँ पर बहुत फ़ायदेमंद हो जाती है, क्योंकि ये रुपये रुपये वाली आइटम लाया है, तो वो सब मेरी जैप लॉग बेबी सब एक एक शॉट में मार सकते हैं। तो यहाँ देख लो आप लोग, जायंट अड़ गया है, बेबी अड़ गया। इसका सिर्फ आइस गोलेम बहुत ही ज़्यादा परेशान कर रहा था मुझे, पर कोई बात नहीं, आइस गोलेम को मैंने कंट्रोल कर दिया था। आइस गोलेम को मैं ऐसे ही छोड़ रहा था, क्योंकि लंबर जैक और मेगा मिनियन आइस गोलेम को एक एक शॉट में मार सकते हैं। उसका आइस गोलेम का लेवल कम है इस वजह से। और जायंट के पीछे मैं नाइट भी डालूंगा, और वो डैक ट्राई करने के लिए लेके आया था। तो भाई, मेरे साथ ही ऐसा करने का ट्राई करने का है डैक, तो आप लोग भी मेरे साथ कर सकते हो। जब भी मैं ऑनलाइन आऊँ, आप लोग मुझे बैटल करनी है मेरे साथ, तो यार फेसबुक में कनेक्ट करो, उसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में होगी। तो जल्द से जल्द फेसबुक में कनेक्ट करके आप मेरे साथ खेल सकते हो क्लैश रॉयल। और ये टावर तो टूट गया पक्का, मेगा और बेबी अड़ गई है। सेकेंड टावर पर मैं ध्यान दूंगा, जायंट आ जाए तब। तो यहाँ पर ये बहुत ही डाल रहा है, और डालेगा और डालेगा, और एक लॉग में सब साफ, तो कोई बात नहीं। और यहाँ फिर से मैंने एक जायंट डाल दिया है, डिस्काउंट और नाइट विच। अब मजा आ जाएगा, बिड़ू डबल एलेक्जर। डबल एलेक्जर में मुझे बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है, क्योंकि डबल एलेक्जर में ये देखो भाई साहब, बहुत बड़ी गलती करेगा, फिर मैं एक जैप से मार दूंगा सब आइटम उसकी साफ। तो यहाँ पर मैं जीत गया। अभी मुझे लगा ही था मैं 3 क्राउन ले लूँगा, बीच में से जायंट और बैट्स आ गए हैं फिर से, तो बैट्स मारने के लिए मेरे पास जैप नहीं है, मैंने जैप बिगाड़ दी थी। पर कोई बात नहीं, दूसरे जायंट ने काम कर दिया है, 2 जायंट अड़ गए हैं, बेबी पीछे काम कर रही है, वो लंबर जैक मर गया है, पर कोई बात नहीं, यहाँ पर बेबी आ गई है और अब उसके पास कुछ भी नहीं है। तो यार, मैं जीत गया ये मैच, मैंने जैप डाल दी है बैट्स के ऊपर, कम्प्लीट 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 जीत गया, नाइस विक्ट्री। तो यार, ये डैक अच्छा है, आप लोग ट्राई करो, भले आपके पास लेवल कम के कार्ड हो, आप एक बार ट्राई करने के लिए फ्रेंडली बैटल करो किसी अपने लेवल के साथ। यानी कि आपकी ट्रॉफी 3000 है तो 3000 वाले के साथ करो, मेरी ट्रॉफी 4000 है तो आप मेरे साथ भी आ सकते हो। 4000 नहीं है, मेरी ट्रॉफी कितनी है, 4300, यानी कि 4300। ओके, तो यार एक वॉर बैटल देख लो आप लोग। वॉर बैटल में यार मज़ा आ गया था मुझे, सामने वाले का डैक देखो, मेरा डैक देखो वही है, बस मेरे पास जैप नहीं थी तो मैंने स्पेयर गोब्लिन ली है, बेबी नहीं थी तो प्रिंसेस ली है। डैक सेम ही है, पर वॉर में मैं थोड़ा चेंज करके लेके गया था, क्योंकि उसके वॉर में क्या था, वो नहीं था, लॉग नहीं था, जैप नहीं थी, तो और बेबी नहीं थी, तो मैंने लॉग के बदले एरो लिया, जैप के बदले स्पेयर गोब्लिन लिया, और बेबी के बदले प्रिंसेस लिया। डैक सेम ही है, और ये सामने वाले का डैक भी बहुत ही ज़्यादा फाड़ू है। तो आप देख लो, दोनों पॉइजन पॉइजन कर दिए हैं, तो डैमेज सबका सेम सेम हो रहा है, पर हाँ, उसका डैमेज ज़्यादा हो गया है, क्योंकि एक बार वो शायद अड़ गया था लेफ्ट साइड फर्नेस, तो मैंने जायंट लेफ्ट साइड डाला है, मैंने डैमेज भी लेफ्ट साइड ही किया है, तो मैं वो ही करूँगा। और उसके जायंट को मैं फटाफट मार सकता हूँ, मेरे पास मेगा और लंबर है, शायद उसके पास क्या है वो नहीं मालूम था, पर हाँ, नाइट विद देख के मुझे भी लगा ये शायद मेरे जैसा ही डैक लेके आया होगा, इसलिए मैं ध्यान से खेलने लगा था। प्रिंसेस मैं डालना चाहता हूँ तो डाल दिया प्रिंसेस साइड में, अब वो पॉइजन ना मारे,
वो बहुत पागल है, बहुत ही गलत खेला है। वो आइस विजार्ड के जगह पर वहाँ मस्की डाला होता तो मेरी प्रिंसेस मर जाती, पर वो थोड़ा कच्चा खेला और यहाँ पर स्पेयर गोब्लिन डाल दिए। तो स्पेयर गोब्लिन कोई बात नहीं, स्पेयर गोब्लिन ने काम कर दिया है। मैंने मेगा डाली क्योंकि मुझे आइस विजार्ड और बैट का डैमेज नहीं पसंद, तो मैंने कुछ भी डैमेज नहीं करने दिया है। और उसने एक बार फिर से पॉइजन डाल दिए, वेरी गुड। मैं स्पेयर गोब्लिन से डिफेंस कर लूँगा और डिफेंस हो भी गया है अच्छा वाला। और भाई साहब अब मुझे डिफेंस करना पड़ेगा राइट साइड, और मैं लेफ्ट साइड कब जायंट पुश करूँगा वो ही नहीं मालूम, पर कोई बात नहीं, लेफ्ट साइड मैं डिफेंस पक्का करूँगा। और उसके पास पॉइजन है तो मैं प्रिंसेस उस साइड डाला हूँ और लंबर जैक से मैं जायंट को पता दूंगा। तो भाई साहब ने पॉइजन बहुत ही परफेक्ट डाली है। मुझे एक टाइल्स प्रिंसेस उस साइड डालनी चाहिए थी, पर मैं थोड़ा भूल गया, जल्दी जल्दी में हाथ फिसल जाता है बहुत बार। आपके साथ भी होता होगा, कमेंट में बोल देना होता है कि नहीं। होता तो होगा, कभी ना कभी तो हुआ ही होगा, हाथ फिसल जाता है या तो गलत ट्रूप डाला जाता है। मेरा तो यार एक दिन में एक बार हो ही जाता है ऐसा। तो अब मैं पुश करने वाला हूँ जायंट वाला, और अभी उसने बांगड़ू ने मस्कीटर दिखाई है। ओके, तो यार मैंने नाइट विद यहाँ डाल दी और बाद में उसने मेगा डाली, और के क्या हो गया है फोन को। ओके परफेक्ट, लंबर जैक मार रहा हूँ मैं यहाँ पर और पॉइजन डाल रहा हूँ मैं वहाँ पर। ओके भाई, मेरा जायंट तो फिनिश हो गया, पर दूसरा जायंट आ गया है। तो दूसरा जायंट बहुत ही बढ़िया है और प्रिंसेस भी आ गई है, तो मैंने प्रिंसेस डालनी सोची और यहाँ पर आइस और मस्की दोनों आ रहे हैं, तो भाई थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। मैंने लंबर जैक डाला है, पर लंबर जैक यार थोड़ा कच्चा पड़ गया उन दोनों के साथ, पर कोई बात नहीं, प्रिंसेस थी तो काम हो गया। और प्रिंसेस, और अभी मेरे को 900 का करना है, उसको 1200 का करना है। ओ हो, अब क्या करेंगे, देखते हैं जो भी होगा। अब भी बांगड़ों ने बहुत ही बढ़िया गलती कर दी है, तो मैंने भी पॉइजन डाली, उसने भी पॉइजन डाली, दोनों सेम खिलाड़ी है, सेम उन लोगों का। पर मैं 4 के लिए 5 4 का बिगाड़ रहा हूँ और वो 3 के लिए 4 का बिगाड़ रहा है, यानी कि मैं एक फ्यूल आगे हूँ उससे। ओके, तो भाई साहब मेरे को अभी 600 का करने का है, और मुझे लगता है मैं प्रिंसेस से कर सकता हूँ। नहीं, परफेक्ट टाइमिंग भाई साहब, बहुत ही अच्छी वाली टाइमिंग थी उसकी। और यार अब मैंने जॉइंट पूरा ऐसे डाला है और मुझे लगता है तब तक मैं जीत जाऊंगा पॉइजन डाल के। पॉइजन मैंने डाल ही दी है, और नहीं, मुझे डिफेंस करना पड़ेगा लंबर जैक से। लंबर जैक ही है अभी एक आखिरी उम्मीद। जायंट को तो एक शॉट भी नहीं मिला, पर उसके जायंट को भी नहीं मिलना चाहिए, मेरे जायंट को नहीं मिला है, तो उसके जायंट को भी कुछ भी नहीं मिला है। अब मज़ा आ जाएगा, मुझे लगता है आज मैं कमेंट्री थोड़ी कुछ ज़्यादा ही दे रहा हूँ। अभी 2-3 वीडियो से मैं ज़्यादा कमेंट्री और अच्छी कमेंट्री दे रहा हूँ। तो अब मेरे पास एरो है और मैं डिफेंस कर रहा हूँ नाइट विच से, एरो डाल दिए है। ओके, तो अब मैं पॉइजन से जीत सकता हूँ मुझे लगता है। तब तक मैं पॉइजन डाल दिया है, और मैं मुझे लगता है तब तक एक एरो भी चाहिए होगा। और नो लंबर जैक जल्दी डिफेंस के लिए ओन हो, 87 का बाकी है, जल्दी एरो आ जा, एरो हो जाएगा 87 पर। जायंट यहां पर मार रहा है, उसकी पॉइजन भी अड़ रही है। ओके, 100 का बाकी है, 70 का बाकी है, 40 का बाकी है, और मैंने एरो मार दिए है। व्हाट अ मैच बेबी, ऊप्सी तालियां। तो गाइस आज के वीडियो में इतना ही, सब लिंक डिस्क्रिप्शन में होगी, सब लिंक को यार देख लो एक बार, सब्सक्राइब कर दो, वॉच कर दो, मेरी चैनल को सब्सक्राइब करो, घंटा बजा दो, और मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। पीस।